संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम उस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे जिसे देखकर डरते तो सभी हैं, लेकिन फिर भी इन्हें देखना हमेशा रोमांच से भरा होता है। जी हां, आज हम फिर चलेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान के सांपों की दुनिया में, यानी चलेंगे सांप घर में और जानेंगे सांपों के बारे में कुछ अनोखी बातें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ सांप बेहद जहरीले होते हैं और कुछ में जहर होता ही नहीं है। संजय गांधी जैविक उद्यान में विषहीन और जहरीले दोनों तरह के सांप मौजूद हैं। विषहीन सांपों में धामिन, अजगर और सैन बोआ हैं, तो जहरीले सांपों की श्रेणी में भारतीय नाग और वाइपर रेसल जैसे सरीसृप हैं। पूरे विश्व में सांपों की कुल प्रजातियां लगभग 2750 हैं और उनमें 244 प्रजाति के सांप भारत में पाए जाते हैं। कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानने के क्या उनके करेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका थूथन जो होता है, जो माउथ पोर्शन होता है, वो राउंडेड होता है, जबकि वेनोमस में ये पॉइंटेड होता है। इसके अलावा एक और जो मेन डिफरेंस होता है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके वेंट्रल सरफेस पे पेट की ओर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, अर्थात एक साइड से दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं। जबकि पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें ये स्केल कंटिन्यूअस होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड को टच करते हैं। अगर स्नेक बाइट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा मूवीज वगैरह में भी दिखाया जाता है कि उसको सक करके निकालने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके माउथ में कोई कट है या किसी भी तरह का सोर है तो उसे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ कट पोर्शन है उसके नीचे बांध दिया जाता है बहुत टाइट से, ये भी नहीं करें। जो कट पोर्शन है उसको कभी भी हार्ट या लंग से ऊपर रेज करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं या एस्पिरिन वगैरह हैं इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें जहां कट हुआ है उसे रनिंग वाटर में धोना चाहिए, साबुन से उसको साफ करना चाहिए, और जो पेशेंट हैं उनको कूल काम करते हुए जो नियरेस्ट PHC है उसमें ले जाना चाहिए। आज हम भारतीय नाग और वाइपर रेसल के एनक्लोजर के पास चलते हैं। नाग यानी कोबरा विषैले सांपों की उन प्रजातियों में से एक है जो अपने गर्दन की पसलियों को फैलाकर फन या हुड बनाते हैं। एक वयस्क नाग की लंबाई 183 सेंटीमीटर से 244 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एक बार शिकार को निगलने के बाद कोबरा एक या कई महीनों तक बिना खाए आराम से जिंदा रह सकते हैं। महीनों भूखे रहने के बाद भी उनकी तेजी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। ये भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं, जो ज्यादातर जंगल में, नदियों के किनारे, खेतों में और गांव के आसपास रहते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, जो मुख्यतः रेंगने वाले जीव छिपकलियों और मेढकों को अपना शिकार बनाते हैं। ये प्रायः 10 से 20 साल तक जीवित रहते हैं। मादा नाग यानी नागिन एक बार में 8 से 45 अंडे देती है, जिसे वो 48 से 69 दिनों तक सेकती है। नाग के बाद हम वाइपर रेसल के एनक्लोजर के पास चलेंगे। वाइपर रेसल भारत में कोरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह इंडियन करैत से कम जहरीले हैं, फिर भी ये सांप भारत के सबसे घातक सांपों में से एक हैं। वैसे तो ये स्वभाव से बेहद शर्मीले होते हैं, पर छेड़े जाने के बाद बेहद गुस्सैल हो जाते हैं और सामने वालों पर बिजली की तरह तेजी से हमला करने में सक्षम हैं। ये लगभग 4 फुट लंबे होते हैं। इसका जहर हीमोटॉक्सिन होता है, जो खून को जमा देता है।
काटने के दौरान यदि अपना पूरा जहर शरीर में डाल देता है तो मनुष्य की घंटे भर से भी कम समय में मौत हो जाती है। ये सामान्यतः भूरे रंग का सांप होता है और उस पर काले रंग के गोल धब्बे होते हैं। इसके फुफकारने की आवाज काफी तेज होती है, जिसे काफी दूर से सुना जा सकता है। अगर इस सांप को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके नाक के ठीक ऊपर में आपको दो छिद्र, बड़े बड़े छिद्र दिखेंगे, वो पिट रिसेप्टर्स होते हैं। ये ताप संवेदी आपके होते हैं, ये बेसिकली अपने शिकार को हीट से नापता है, वो हीट सेंसर्स हैं इसके और वो अपने करता है। इसके दांत सबसे बड़े होते हैं, हमारे जितने भी विषैले सांप हमारे भारत में पाए जाते हैं इसमें सबसे बड़े विषैले दांत इसके होते हैं। ज़्यादातर लोग इस सांप को अजगर के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि ये बहुत धीरे चलता है, तो लोगों को लगता है ये अजगर है क्योंकि काफ़ी मोटा सांप हो जाता है ये। इसको पहचाना बहुत आसान है, इसके बॉडी के साइड में आपको गोल चिन्ह जैसे मिलेंगे। सर का आकार भाले जैसा होता है, गर्दन पतली होती है और नाक के ऊपर आपको बड़े बड़े दो छेद जैसे दिखेंगे। ये सांप रसल्स वाइपर है और ये अंडे नहीं देते, ये बच्चे देते हैं। ये करीबन एक बार में आपको 30 से 35, 40 तक भी रिकॉर्ड किया गया है। इसके काटने पे बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये भी सांप दूसरे सांप को भी मार कर खाना पसंद करते हैं, चूहे इसका प्रिय भोजन है, पक्षी के अंडे, पक्षी खाना भी इसे बहुत ज्यादा पसंद है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद सांप घर यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास आकर सांपों की इस अनोखी दुनिया का आनंद उठाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे पटना यू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।